हाय दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल कोई दूसरा ले लेता है और आप चाहते हैं कि वो आपका मोबाइल ना चलाए, तो आप एक दूसरे मोबाइल, चाहे वो कीबोर्ड हो यानी कीपैड मोबाइल हो और या एंड्रॉयड मोबाइल हो, अपने मोबाइल पे एक SMS कीजिए और आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। और वो बंदा जो भी आपके मोबाइल में कर रहा होगा या कोई भी वीडियो देख रहा होगा, वहीं पर ही आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मैं उस ऐप को खोल ले रहा हूँ, एक ऐप है, उस ऐप को मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि वो ऐप आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो मैंने ऐप को खोल लिया है। खोलने के बाद में आपको एक पिन सेट कर लेना है। मैंने एक पिन सेट कर लिया, मास्टर पिन सेट कर लिया। पिन सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, लेफ़्ट में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको क्लिक करना है पासवर्ड सेटिंग। पासवर्ड सेटिंग कर क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर आपको अपना एक पासवर्ड चूज कर लेना है। अब पासवर्ड आप पैटर्न चूज कर सकते हैं, गेस चूज कर सकते हैं, करेक्टर चूज कर सकते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैंने एक पैटर्न चूज कर लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड का स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं इसका। तो मैं एक स्ट्रेंथ पासवर्ड यानी मजबूत पासवर्ड चूज कर ले रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक पासवर्ड चूज कर लिया। इसके अंदर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोबारा फिर कन्फर्म करने के लिए जो पासवर्ड आपने भी बनाया है, सेम पासवर्ड को इंटर कर देना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग, इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है इंस्टॉल प्रिवेंशन, इसको आपको ऑन कर देना है। इसके ऑन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इस ऐप को आपके मोबाइल से कोई भी डिलीट नहीं कर सकता आपके अलावा। तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देनी है, जिससे कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट कर सकें। तो देखिए, ओके, एक्टिवेट कर देना है इसको। देखिए, हो गया इंस्टॉल प्रिवेंशन, ही जान हो चुका है। देखिए, यहाँ पर एक हाइडन मोड, इस हाइडन मोड को भी ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल में ये ऐप दिखेगा नहीं, वो दूसरे माध्यम से आपको उस ऐप में घुसना पड़ेगा। तो चलिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में आपको क्लिक करना है लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपने जो आप पासवर्ड डालेंगे उसका लोगो कैसा होना चाहिए, देखिए मैंने लोगो चेंज कर दिया, आप भी लोगो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको, थीम देखिए, बैकग्राउंड, इसके अलावा चेक, ऐप आइकन हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं देखिए, मैंने एक थीम चेक कर लिया। इसके अंदर आपको बैक आ जाना है, सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे ऑब्जर्वर से क्लिक कर देना है। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो कोई भी अगर खोलने का प्रयास करेगा तो उसका फ़ोटो यहाँ पर खींच जाएगा। इसके अंदर आपको क्लिक कर देना मल्टीपल पासवर्ड। यहाँ से आपको एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप उस ऐप को खोलने के लिए बहुत सारे पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे पैटर्न, पासवर्ड, करेक्टर, गेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर बहुत सा अच्छा फीचर है इसके अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो ये देखिए, मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, पैटर्न में पासवर्ड सेट कर ले रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेंथ मजबूत पासवर्ड सेट कर लिया। यहाँ से देखिए, यहाँ पर पासवर्ड चूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये देखिए, यहाँ पर एक पासवर्ड चूज कर सकते हैं, नम अक्षर पासवर्ड, तो अक्षर पासवर्ड यहाँ पर चूज कर सकते हैं, नंबर पासवर्ड चूज कर सकते हैं, पैटर्न चूज कर सकते हैं, गेस चूज कर सकते हैं। मैंने ये पासवर्ड चूज कर लिया। ऐसे आप कोई भी चूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर है जब मेन मुद्दा जो है, यानी कि जिसके ये वीडियो जिस लिए बनाया गया, वो है रिमोट कंट्रोल। देखिए, यहाँ पर है ना रिमोट कंट्रोल, उस पर क्लिक कर देना है। वही आपका इस ऐप का मेन फीचर है जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। क्लिक कर देना है इनेबल रिमोट लॉक। इसके अंदर आपको देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमोट लॉक कीवर्ड। इसमें आपको एक ऐसा कुछ लिख देना है कि अगर ये आपके मोबाइल पर, यानी कि ये मैसेज अगर आपके आप अपने मोबाइल पे करें तो आपका मोबाइल लॉक हो जाए। ध्यान रहे कि पहले एज अ रेट, इसके बाद में ही आपको चूज करने हैं। इसके अंदर आपको रिमोट लॉक कमांड, तो आपको क्लिक करना है लॉक ऑल एप्लीकेशन, यानी कि आपके मोबाइल का सब कुछ लॉक हो जाए, सभी एप्लीकेशन लॉक हो जाए। इसके अंदर है रिमोट अनलॉक कीबोर्ड, फिर एज अ रेट, ऐसे लॉक एक अलग पासवर्ड चूज कर लीजिए, जिससे कि दोबारा जब अपने मोबाइल पर एक SMS कीजिए तो वो ऑटोमेटिक खुल जाए। तो मैं ये एज अ रेट श्याम सुंदर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए, हो चुका है। देखिए, यहाँ पर गुड हो चुका है, राइट का निशान आ चुका है। इसके अंदर आप सिंपली क्या करना है आपको, देखिए हो चुका है। चलिए अब ट्राई करते हैं कि ऐप वर्किंग कर रहा कि नहीं।
ये ऐप बिल्कुल वर्किंग करेगा। तो देखिए हम देखिए अपने मोबाइल में व्हाट्सअप खोल चुके हैं। व्हाट्सअप खोलने के बाद में एक दूसरा मोबाइल लेते हैं। अब उस दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पे एक एसएमएस करते हैं। चलिए जो मैंने लॉक के लिए कमांड सेट किया था वही इस मोबाइल में जो मोबाइल नंबर लगा होगा उसी मोबाइल नंबर पे आपको वही कमांड एसएमएस कर देना है। तो @श्यामसुंदर यस यस आर मैंने सेट किया था। अब देखिए मैंने इसको मैसेज को सेंड कर दिया। ये मैसेज सेंड होते हो जैसे ही मेरे मोबाइल पर पहुँचेगा उसी कुछ ही सेकंड में मोबाइल लॉक हो जाएगा। देखिए मैं पहुँच चुका है मैसेज, मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ। अभी देखिएगा आप व्हाट्सअप चलाते वहीं पर ही मोबाइल लॉक हो जाएगा। देखिए लॉक हो चुका है। अब यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते, हो गया ना लॉक। अभी ये पासवर्ड केवल आपको ही पता होगा। देखिए लॉक हो चुका है लेफ्ट राइट में, देखिए लॉक हो चुका है। अब ये खुलेगा नहीं। अब इसके चलिए बैक आ जाते हैं और भी ऐप चेक कर लेते हैं। देखिए कोई भी ऐप खोली आपके मोबाइल का कोई भी ऐप नहीं खुलेगा। देखिए प्ले स्टोर खोला, व्हाट्सअप खोला, नहीं खुला, आरोग्य सेतु खोला, वो भी नहीं खुला, फ़ोटोज भी नहीं खुला, मतलब कुछ भी नहीं खुलेगा। देखिए सब कुछ आपके मोबाइल का सब कुछ लॉक हो चुका है, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी लॉक हो चुका है। तो दोबारा एक एसएमएस कीजिए। चलिए अभी इस मोबाइल को खोलने के लिए फिर एक दूसरे मोबाइल का यूज करते हैं और उस एक एसएमएस भेजते हैं। और वो अनलॉक कमांड क्या था, वो था @श्यामसुंदर। मैंने देखिए एसएमएस एक भेज दिया और दूसरे मोबाइल पे मैसेज पहुंच चुका है। देखिए अब सारे ऐप खुल चुके हैं। देखिए खुल गया है ना, सारे ऐप अब खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा तो लगा ही होगा, तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों बता देते हैं कि आपको ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लेना है, सर्च करना है ऐप लॉक। सर्च करने के बाद में देखिए ये आपका चौथा नंबर पे लिखा है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें जिससे मेरे बनाए हुए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो देखने